खूबसूरत दिखना किसे पसंद नहीं है। हर कोई अपनी खूबसूरती के लिए मेकअप हो या फिर अलग अलग तरह की ड्रेसिंग स्टाइल को अपनाते हैं, तो कोई अपने हेयर स्टाइल से खुद को संवारता है। पूरे साजो श्रृंगार में हेयर स्टाइल का अपना अलग महत्व होता है। इसी श्रृंखला में प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट शीतल करवाड़ी द्वारा प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिश इमरान खान का 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस वर्कशॉप में छात्रों ने हिस्सा लिया है। कई नई हेयर स्टाइल का डेमो देकर वर्कशॉप में सहभागी हुए छात्रों ने हेयर स्टाइल सीखी है, जिसकी जानकारी BCN समक्ष साझा की गई है। नमस्कार नागपुर, मैं शीतल करवाड़े, SPK मेकअप अकेडमी, इतवारी रेलवे स्टेशन शांतिनगर इथे माझं एक अकेडमी आहे, जिथे मी मेकअप क्लासेस पण घेते आणि एक इव्हेंट ऑर्गनायझर पण आहे। तर आज 4, 5, 6 तारखे जे आहे 3 दिवसाचं माझ्याकडे 1 डे सेमिनार आणि 2 डेज वर्कशॉप झालेलं आहे। तर आज 3रा दिवस आहे आमच्याकडे। पहिल्या दिवशी सेमिनार झाला आणि काल माझ्याकडे पहिला दिवस होता वर्कशॉपचा, आज 2रा दिवस आहे। तर आमचं पूर्ण सक्सेसफुल हे राहिलेलं आहे सेमिनार आणि वर्कशॉप। आणि इम्रान सरांनी जे शिकवलेलं वर्क आहे खूपच चांगल्या इझी टेक्निकनं त्यांनी इतकं छान वर्क शिकवलेलं आहे आणि मुली पण खूप हॅपी झालेल्या आहेत। त्यांना पण इम्रान सरांचं वर्क खूप आवडलेलं आहे आणि हे वर्क आमचं सक्सेसफुल करण्यामध्ये सगळ्या स्टुडंटनी आणि माझ्या हस्बंडनी आणि सगळ्यांनी मला खूप मदत केली आहे। माझे हस्बंड जे आहेत प्रवीण करवाडे यांनी मला खूप खूप सपोर्ट केलेला आहे आणि ह्या जागी मी आज जे उभी आहे मी त्यांच्यामुळे आहे, त्यांचा पण मी खूप खूप धन्यवाद मानते। आणि माझ्याकडे ज्या विद्यार्थी आलेले आहेत शिकण्यासाठी त्यांचं पण मी खूप खूप अभिनंदन करते। आणि जे सरांनी आमच्या नागपूरला येऊन इतकं छान वर्क दिलं आहे आणि इतकं छान शिकवलेलं आहे त्यांना पण खूप अभिनंदन करते। आणि सगळ्यांनीच आणि माझी मुलं आहेत 2 त्यांनी पण श्रेयांश आणि निवेश त्यांनी पण मला खूप चांगलं सपोर्ट केलेलं आहे इतकं सांगून माझे। नमस्ते नागपूर, मैं सुनीता कांबळे, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट नागपूर से। यहाँ शीतल करवाड़े मैम ने 3 दिन का इमरान खान का 1 दिन का सेमिनार और 2 दिन का वर्कशॉप रखा हुआ है और उसमें उनका सेमिनार हुआ है अमृत भवन में और वर्कशॉप उनके एकेडमी में चल रहा है अभी भी। तो 2 दिन का इन्होंने वर्कशॉप रखा तो मैंने वर्कशॉप अटेंड किया। एक्चुअली उन्होंने मुझे तो एज अ गेस्ट बुलाया था सेमिनार में, तो मैं नहीं जा पाई थी। मैंने बोला था मैं स्टूडेंट बन के आऊँगी और मुझे सीखने का बहुत शौक है नई नई चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ सीखने आई हूँ। और मैंने 2 दिन इमरान सर का वर्कशॉप किया और मुझे उनका बहुत ईजी टेक्निक जो उन्होंने समझाया, छोटी छोटी बातें, वो बहुत पसंद आई। और मैं भी करती हूँ काम, बहुत सालों से कर रही हूँ, और जो इन्होंने हेयर स्टाइल बताई थी वो भी मैं कर रही थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सही टेक्निक से इन्होंने समझाई तो मेरा काम आसान हो गया अभी। और मैं बहुत इस वर्कशॉप से खुश हूँ और थैंक यू शीतल कि आपने इमरान सर को यहाँ बुलाया और उनका वर्कशॉप कराया। और सब स्टूडेंट भी बहुत खुश है यहाँ और वो बहुत लगन से हेयर स्टाइल बनाने में लगे हैं अभी भी, तो थैंक यू वेरी मच। मैं पूजा गुलाने वरुड से आई हूँ। मुझे जब पता चला कि इमरान खान का फर्स्ट टाइम नागपुर में सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है शीतल मैम ने, तो बहुत एक्साइटेड थी कि क्या सिखाने वाले, लेकिन जब यहाँ आई तो इतना अच्छा सिखाया सर ने कि मतलब 2-3 दिन ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत कुछ हुआ है, कि ऐसा लग रहा कि बहुत और 2-3 दिन चाहिए हमको, इतना अच्छा सिखाया है सर ने। कहीं पर नहीं थे इससे पहले, कहीं से नहीं सीखी हूँ, फर्स्ट टाइम ही सीखी हूँ हेयर स्टाइल का। हेलो मैम, मैं सावनेर से हूँ और सावनर से आई हूँ, तो मुझे शीतल मैम का कॉल आया था कि वर्कशॉप है करके, और मैं सोच रही थी कि करना है करके, बट कभी इससे पहले मैंने वर्कशॉप नहीं किया था और यहाँ आके पता चला कि क्या होता है इंटरनेशनल हेयर स्टाइल, और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, साथ में हम लोग वर्क भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। थैंक यू सो मच मैम शीतल मैम। हेलो, मेरा नाम सलोनी लालवानी है, मेरी वर्धमान नगर में अकेडमी चलती है ग्लैम लुक बाय सलोनी से। सो आज मैंने सर का वर्कशॉप अटेंड किया एंड उनका सेमिनार भी अटेंड किया, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं एंड मतलब हमने इतने सेमिनार्स अटेंड किया पर उनके जैसा नहीं मिला अब तक जो उन्होंने ट्रिक्स दिए हैं, और सिर्फ एक ही स्प्रे में उन्होंने सिखाया है, ये वो स्प्रे है। थैंक यू।